Hello third class, get ready for today's science class. Students, imagine you are a designer who needs to design a suit for people to wear when they go for underwater diving. Now students, tell me which fabric would you choose? आपको underwater diving, जो people underwater diving के लिए जाते हैं उनके लिए आपको एक suit design करना है, तो आप कौन सा fabric choose करोगे इस suit को design करने के लिए? Students, as you know, we are doing block 20 fibers and today we will compare natural and artificial fibers based on the amount of water they can absorb. Now students, please open your worksheet as to water and fibers. Write your observations. First question दिया गया है, आपको observations करनी है और उसके बाद अपनी observations को आपने write करना है. Clear? So students, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी. उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हो कि किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता है. सो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था उसके बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट आए थे. सो फर्स्ट कॉलम में फाइबर्स दिए गए हैं, आपको नेम दिए गए हैं फाइबर्स के. सेकेंड में आपने जो इनिशियल वाटर लेवल लेना है वो दिया गया है. उसके बाद जो फाइनल वाटर लेवल बचा है वो एंड अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड. सो जो उस क्लोथ ने वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका अमाउंट आपको राइट करना है. सो कॉटन के क्लोथ को जब मैंने 100 ml वाटर के अंदर डाला तो उसके बाद मेरे पास फाइनल वाटर लेवल बचा 50 फाइनल वाटर लेवल मेरे पास बचा. जब मैंने उस क्लोथ को वापस से उस कंटेनर से बाहर निकाला तो वाटर मेरे पास बचा है 50 ml. तो हमारे जो ये कॉटन का क्लोथ था इसने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया? 50 ml ही इसने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर. जूट के क्लोथ के लिए मैंने फिर से 100 ml वाटर लिया था और जब मैंने वाटर के अंदर से इस क्लोथ को बाहर निकाला तो मेरे पास बचा था 60 ml वाटर. 60 ml वाटर मेरे पास बचा था और क्लोथ ने कितना ml वाटर एब्जॉर्ब किया है? 40 ml वाटर जो है वो क्लोथ ने एब्जॉर्ब कर लिया. वुल के लिए भी मैंने 100 ml वाटर लिया और वुल ने कितना वाटर बच गया था? फाइनल वाटर बचा था मेरे पास 70 ml और जो क्लोथ है उसने कितना ml वाटर एब्जॉर्ब कर लिया था? 30 ml वाटर उसने एब्जॉर्ब कर लिया था. उसके बाद सिल्क के लिए भी मैंने 100 ml वाटर लिया और सिल्क का फाइनल वाटर जो था मेरे पास वो बचा था 80 ml और सिल्क के क्लोथ ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया? 20 ml वाटर जो है उसने एब्जॉर्ब किया. उसके बाद पॉलिएस्टर के लिए भी 100 ml वाटर और पॉलिएस्टर के लिए मेरे पास फाइनल वाटर बचा 90 ml और कितना एब्जॉर्ब किया है पॉलिएस्टर ने? 10 ml वाटर जो है पॉलिएस्टर ने एब्जॉर्ब किया था. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी विच क्लोथ सोक्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. कौन से क्लोथ ने सबसे ज़्यादा वाटर जो है एब्जॉर्ब किया है, सोक किया है? यस, कॉटन ने सबसे हाईएस्ट वाटर को सोक किया है और पॉलिएस्टर ने सबसे लीस्ट किसने सोक किया है? पॉलिएस्टर ने. क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी हाउ कैन वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू चूज अ फैब्रिक. विच फैब्रिक विल ड्राई फास्टर? Let's discuss some important facts about this lesson. Students, the cotton cloths soaked up most water. सबसे ज़्यादा water किसने, कौन से cloth ने soak किया था? Cotton cloth ने सबसे ज़्यादा water soak किया था and polyester ने सबसे least water soak किया था. Clear? So we can say natural fibers soak water more than artificial fibers. नेचुरल फाइबर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा वाटर सोक करते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स की बजाय. द पोलिस्टर ड्राइज फास्टर बिकॉज दे सोक द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. पोलिस्टर जो है वो जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि उनके अंदर वाटर कम होता है, क्योंकि वो कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट फास्टर देन एनी अदर फाइबर. हम कॉटन क्लॉथ्स गर्मियों में इसलिए वियर करते हैं क्योंकि ये स्वेट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्लियर? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं.
I hope you understand that. Now it's time for higher order thinking question. Question is, if you have to choose a fabric to make a dress for underwater diver, which fabric would you choose and why? So aap kaun sa fabric choose karoge? We would choose a fabric which would absorb less water and dry off quickly. हम ऐसा फाइबर चूज करेंगे जो कम वाटर एब्जॉर्ब करे और जल्दी से सूख जाए. सो पॉलिस्टर और एनी अदर आर्टिफिशियल फाइबर कैन बी अ गुड फैब्रिक टू मेक एन अंडर वाटर डाइविंग सूट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ साइंस, लेसन नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स. ऑल फाइबर्स सोक वाटर. सम फाइबर्स सोक मोर वाटर देन द अदर्स. कुछ फाइबर होते हैं जो ज़्यादा वाटर को सोक करते हैं. कॉटन कैन सोक लॉट्स ऑफ वाटर. कॉटन फैब्रिक इज गुड टू वियर इन समर बिकॉज इट सोक्स द स्वेट फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो स्वेट होता है उसको सोक कर लेते हैं कॉटन क्लॉथ्स. आर्टिफिशियल फाइबर्स सोक अप वेरी लिटिल वाटर सो दे ड्राई वेरी क्विकली. That's why clothes made from artificial fibers are good to wear in the rainy season. So rainy season में हमें artificial fibers की ही clothes wear करनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी सूख जाते हैं. I hope this lesson is clear to you all. Now please open your worksheet. This question has been completed. ये question हम complete कर चुके हैं. Question number 2 is, which fabric can be used to cover a cricket ground when it rains? जब बारिश हो रही होती है तो क्रिकेट ग्राउंड को कवर करने के लिए हमें कौन सा फाइबर यूज़ करना चाहिए, कौन सा फैब्रिक यूज़ करना चाहिए? कॉटन और नायलॉन. वाई कौन सा फैब्रिक यूज़ करना चाहिए? वी शुड यूज़ नायलॉन बिकॉज इट इज़ एन आर्टिफिशियल फाइबर. क्योंकि ये आर्टिफिशियल फाइबर है. आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं वो वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं क्योंकि नेचुरल फाइबर वाटर को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं. एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स ड्राइज फास्टर बिकॉज दे सोक द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. सो आर्टिफिशियल फाइबर्स डू नॉट अलाउ द वाटर टू गो थ्रू. आर्टिफिशियल फाइबर वाटर को अपने अंदर नहीं रखेंगे और इसके अंदर से छनने भी नहीं देंगे. सो इस वजह से जो ग्राउंड है वो वेट नहीं हो पाएगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. राजी बॉट अ फ्रॉक फॉर हर बर्थडे. व्हेन शी वॉश्ड द फ्रॉक शी ऑब्जर्व्ड दैट द क्लोथ डिड नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर एंड ड्राइड अप क्विकली. उसने जब फ्रॉक को वॉश किया तो उसने देखा कि जो फ्रॉक है वो जल्दी ही सूख गया. इज द फ्रॉक मेड फ्रॉम ए नेचुरल फाइबर और एन आर्टिफिशियल फाइबर? यस, द फ्रॉक इज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर. आर्टिफिशियल फाइबर से बना था फ्रॉक बिकॉज नेचुरल फाइबर्स सोक वाटर मोर देन आर्टिफिशियल फाइबर्स. क्लियर? एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स ड्राइज फास्टर बिकॉज दे सोक द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. आई होप दिस वर्कशीट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. Clothes made from which fiber soaks lots of water? Yes, clothes made from natural fibers soaks lots of water. Question number 4. Why do clothes made from artificial fiber dry quickly? Artificial fiber से बने हुए clothes water को जल्दी क्यों सूख जाते हैं? Because natural fibers soak water more than artificial fibers and artificial fibers soak less water so they dry faster and quickly. So you have to complete practice question number 3 and 4. Thank you everyone for watching this video.